के मुख्य द्वार एंट्रेंस यानी मेन डोर की। मुख्य द्वार संबंधित वास्तु और फेंगशुई की किन बातों का ध्यान देना है जिससे घर में सुख समृद्धि वैभव उन्नति स्वास्थ्य और खुशहाली आए। मुख्य द्वार भाग्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि वहां से केवल परिवार के सदस्य अंदर नहीं आते हैं अपितु मुख्य द्वार से ही घर में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो वास्तु फेंगशुई संबंधित जो भी मुख्य द्वार की बातें हैं या नियम हैं, उनको अपनाकर हम अपने जीवन की नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा को परेशानियों को कम कर सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं और जीवन की सकारात्मक ऊर्जा को पॉजिटिविटी को खुशहाली को सुख और वैभव को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दें आपके मुख्य द्वार मेन डोर एंट्रेंस के सामने कोई भी रुकावट ना हो, जैसे बिजली का खंबा या कोई बड़ा सा पेड़। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ऐसी कोई रुकावट है आपके मेन एंट्रेंस के सामने, इसका मतलब आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको रोक मिलेगी, उनको रुकावट मिलेगी और घर में बीमारी दुर्घटना कोर्ट केस का भय सरकारी दिक्कतें या फिर झगड़े बने रहेंगे। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो ध्यान दें कहीं आपके मुख्य द्वार के सामने ऐसी कोई रुकावट तो नहीं है। और उसका उपाय वास्तु फेंगशुई में बहुत सरल सा दिया गया है। आपने अपने मुख्य द्वार पर एक अष्टकोणीय आईना लगाना है जिसे बागुआ कहते हैं या फिर कन्वेक्स मिरर लगाना है और इसे इस प्रकार से लगाना है कि जो भी वो खंबा है या फिर पेड़ है उसका प्रतिबिंब परिवर्तित होकर वापस लौट जाए, यानी रिफ्लेक्ट बैक हो उसका इमेज। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है वो वापस लौट जाएगी। इसके अलावा ध्यान दें आपके मुख्य द्वार के आसपास सामने बाहर कोई गंदगी ना हो, कोई गंदगी इकट्ठी ना हो, क्योंकि अगर गंदगी होगी वहां पर नेगेटिविटी इकट्ठी होगी और वहां नेगेटिविटी इकट्ठी होगी तो आपके मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेगी। तो फौरन साफ करवाएं अपने एंट्रेंस की आसपास की जगह को। साथ ही ये भी ध्यान दें कि आपका जो भी घर है, जो भी मुख्य द्वार है उसका, वो अच्छे से रोशन हो, वेल लिट हो और उस पर बहुत अच्छी नेम प्लेट लगी हो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट होती है, अपॉर्चुनिटीज घर में दस्तक देती है। आप खुद ही सोचिए, आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, वहां पर अंधेरा है, एक जगह पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपकी नजर वहां टिकेगी या वहां टिकेगी जहां अच्छी सी रोशनी है और कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। उसी तरह से सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी जो प्रवाह कर रही होती है, जहां रोशन जगह होती है, अच्छा सा कुछ लिखा होता है, वहां अट्रैक्ट होती है और अंदर आती है। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और खुशहाली बढ़ेगी। साथ ही ये ध्यान दें, अगर आपका मुख्य द्वार नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, इन दिशाओं में पड़ता है तो जो भी नेम प्लेट आप लगा रहे हैं वो मेटल की हो, और अगर इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन है तो वुडन नेम प्लेट प्रेफर करें वास्तु फेंगशुई के मुताबिक। अब बात मेन डोर की बनावट। सबसे पहले तो ध्यान दें आपका मेन डोर क्लॉकवाइज खुलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं खुलना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें मेन डोर की हाइट आपके घर के जो बाकी दरवाजे हैं उनसे ऊंची हो। साथ ही ये भी ध्यान दें, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं मेन डोर बनाने के लिए उसकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी लकड़ी होनी चाहिए, कहीं से भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, दरार नहीं होनी चाहिए, चिप्ड ऑफ नहीं होना चाहिए। मेन डोर को कभी भी काले रंग से पेंट नहीं कराना चाहिए और ध्यान दें मेन डोर खुलते बंद होते हुए कहीं करहाने जैसी कोई आवाज तो नहीं आती है, क्योंकि काला रंग अंधेरे को दर्शाता है और जो ये करहाने की आवाज होती है ये घर में कलह को दुख को दर्शाती है। तो फौरन अपने गेट की अच्छे से ऑयलिंग कराएं ताकि ये आवाज ना आए और आपके घर में सुख और शांति बनी रहे। अब बात ये जानने की कि आप अपने घर के मुख्य द्वार को अपनी एंट्रेंस को कैसे सजाएं कि आपके जीवन में शुभता
पॉजिटिविटी, सुख समृद्धि और खुशहाली प्रवेश करें। आपने सबसे पहले तो अपनी एंट्रेंस के आसपास ग्रीनरी बढ़ानी है। ग्रीन प्लांट्स शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा डिवाइन सिंबल्स जैसे ओम, स्वास्तिक, क्रॉस या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म से रिलेटेड सिंबल अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और रंगोली से भी अपने मुख्य द्वार के बाहर का एरिया सजा सकते हैं। रंगोली और डिवाइन सिंबल्स दोनों बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से आपके घर में गुड फॉर्चून अट्रैक्ट होगा, जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली स्वास्थ्य उन्नति प्रवेश करेंगे बढ़ेंगे। ये भी ध्यान दें आपके मेन डोर के पास आप डस्टबिन कभी ना रखें और कोई भी खराब वस्तु जैसे खराब घड़ी या फिर कोई खराब मशीन या टूटा हुआ फर्नीचर जैसे टेबल कुर्सी ये सब चीजें आपने अपने घर की मेन एंट्रेंस के पास नहीं रखनी है। कई बार ऐसा होता है ना हमारे घर की कोई चीज टूट गई या खराब हो गई या रद्दी ही से हम घर की मेन एंट्रेंस के बाहर रख देते हैं कि घर से बाहर निकालो थोड़े दिनों में इसको हटा देंगे। ऐसा ना करें, फौरन उसे डिस्पोज ऑफ करें क्योंकि जो भी वो खराब सामान पड़ा है उस सामान में नेगेटिविटी इकट्ठी होती है और जहां नेगेटिविटी इकट्ठी होगी तो मुख्य द्वार जब भी खुलेगा वो नेगेटिविटी आपके मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेगी। तो इन बातों का आपने घर के एंट्रेंस के आसपास जरूर ध्यान देना है। मैंने आपको बताया कि आपने अपने मुख्य द्वार घर की एंट्रेंस के सामने किन बातों का ध्यान देना है, आसपास किन बातों का ध्यान देना है। अब मैं आपको बताऊंगी जब आप मेन डोर से अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले तो ध्यान दें जैसे ही आप मेन डोर से अपने घर के अंदर घुसे सामने कोई आईना नहीं होना चाहिए, यानी मेन डोर के ऑपोजिट कोई शीशा ना लगा हो क्योंकि वो आईना जो भी घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा आ रही है या फिर आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, वो वापस लौट जाएगी। अगर आपने अपने घर में सजावट के लिए मुख्य द्वार के सामने अंदर कोई आईना लगाया हुआ है तो उसे फौरन हटाया। इसके अलावा ध्यान दें आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने अंदर सीढ़ी ना हो, अगर ऐसा है तो उसे पर्दे से ढक दें। सिंक या शौचालय भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी पनपती है तो आप उसको पार्टीशन से ढक सकते हैं या पर्दे से ढक सकते हैं। दीवार भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दीवार समझो एक रोक आ गई, जो भी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ रही है उसके आगे रुकावट आ गई। साथ ही ये भी ध्यान दें कोई अलमारी या कोई ऐसा फर्नीचर ना रखें जिसका कोई तीखा तेज धार वाला कोना दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा हो क्योंकि वो तेज धार समझो पॉजिटिविटी को काट रही है, तो उस अलमारी को या जो भी आपका वो फर्नीचर है उसे वहां से जरूर हटा दें। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है घर की जगह की, कोई प्रॉब्लम है आप हटा नहीं सकते, तो वास्तु फेंग शुई की रेमेडीज को अपनाएं। आप क्या करें, क्रिस्टल बॉल लें और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अंदर टांग दें या फिर विंड चाइम पवन घंटी भी टांग सकते हैं। ये दोनों चीजें वहां पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी बन रही होगी इन चीजों की वजह से सीढ़ी दीवार सिंक शौचालय आदि उसे कम कर देगी और जो आपके घर की पॉजिटिविटी है वो बनी रहेगी। तो ये तो मैंने आज आपको बताया मुख्य द्वार संबंधित किन बातों का आपने ध्यान देना है जिससे आपके घर में आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़े, खुशहाली बढ़े, नेगेटिविटी और परेशानी कम हो। आप सब सकुशल रहें यही है मेरी कोशिश। आगे भी बने रहिए मेरे साथ ज्योतिष वास्तु फेंगशुई टैरो या न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी पाने के लिए।